नमस्कार दोस्तों, काव्याज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू लच्छा नमकीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक बड़ा सा आलू और इसे अच्छे से धोकर साफ करके लिया है मैंने। तो यहाँ पे अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये पूरा आलू हमारा छील करके हो चुका है। तो अब हम एक बर्तन में नमक वाला पानी लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे ग्रेटर। यहाँ पर मैं बड़े होल वाला ब्लेड यूज़ कर रही हूँ और अब हम लच्छे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं लच्छे। तो अब हम पूरे आलू को ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। तो ये लच्छे अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे दो बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पे मैंने तीन बार अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं लच्छे, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा पानी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे दोनों हाथों में लेकर अच्छे से दबा दबा कर इसमें बचा हुआ पानी निकाल लेंगे। तो हम सारे लच्छों का पानी ऐसे ही निकाल लेंगे। और अब इसका मॉइस्चर पूरी तरह खत्म करने के लिए एक यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लेंगे हम, और उसके ऊपर ये सारे लच्छों को डालकर अच्छे से हल्के हाथों से इसे पोंछ लेंगे ताकि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था और ये तेल भी गरम हो चुका है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे मूंगफली को फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम पे रखेंगे और अच्छे से मूंगफली को फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। तो इसे फ्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। और यहाँ पर देखिए मूँगफली फूलने लगी है और बीच में से दो पार्ट होने लगे हैं, तो अच्छे से फूल रही है। और ये मूंगफली अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम लच्छों को इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे हम और ऐसे ही इसे फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। तो यहाँ पे ये लच्छे तैयार हो गए हैं हमारे। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ चुका है, तो अब हम इसे निकालेंगे। और बाकी के लच्छे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। लच्छों को तेल से निकालते ही तुरंत टिश्यू पेपर के ऊपर ना निकालें, वरना वो नरम पड़ जाएंगे। अगर आपको टिश्यू पेपर यूज़ करना है एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए, तो इन्हें पूरा ठंडा होने तक आप वेट करिए। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे, तब आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कीजिए और बचा हुआ एक्सेस ऑयल आप इसमें से निकाल सकते हैं।
यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है इसे, और देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं ये लच्छे। तो सबसे पहले हम इसमें मिक्स करेंगे नमक। अगर आप नॉर्मल नमक नहीं खाते हो फास्ट में तो आप सेंधा नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद काली मिर्ची का पाउडर। हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें बाकी कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से करेंगे वरना ये टूट जाएंगे। और अब हम इसमें मूंगफली भी ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। और अब सारे मिक्सचर को अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं लच्छे हमारे, और इसे आप ठंडा होने के बाद में एयर टाइट कंटेनर में भरकर 15 दिन तक रख सकते हो। और ये देखिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ तोड़कर। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।